देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर अंबिकापुर NSUI उपाध्यक्ष शुभम जायसवाल के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। आए दिन बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल LPG सिलेंडर के दामों को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। अंबिकापुर के घड़ी चौक में पुतला चलाया गया। केंद्र की मोदी सरकार से महंगाई की कमी लाने की मांग की गई। NSUI उपाध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने को कम महंगाई पर बुलडोजर चलाने की बात कही ताकि आम जनता को इस महंगाई से राहत मिले। अपना नाम ऊपर से बताइए। मैं शुभम जायसवाल, सरगुजा अंबिकापुर NSUI उपाध्यक्ष। किस चीज़ का विरोध? आज रोजाना देश में बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल LPG सिलेंडर के दामों में रोजाना वृद्धि को लेकर आज NSUI ने उग्र प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी लोगों के घरों में बुलडोजर चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप होश में आइए और इस महंगाई रूपी जो आम जनता को रोजाना परेशान कर रही है उस पर आप भी बुलडोजर चलाइए। आप रोज धर्म की राजनीति कर रहे हैं, देश को बांटने की बात कर रहे हैं। आप इस रोजाना के मुद्दों को ध्यान दीजिए। जो महंगाई का मुद्दा है जिसे आम जनता परेशान है उसको कम करिए। पेट्रोल डीजल LPG सिलेंडर के दामों में रोजाना वृद्धि हो रही है। 1000 रुपये आज LPG सिलेंडर के दाम पहुंच गए। 70 साल में आज ये पहली बार है जो BJP की सरकार की वजह से आम जनता परेशान है और हताश है, जिससे ये महंगाई बढ़ चुकी है। किस तरह का विरोध किया, कैसे विरोध किए? हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक करके पुतला दहन किया और पुतला दहन से ये जताया है कि महंगाई को जल्द से जल्द कम किया जाए, नहीं तो उग्र से उग्र आंदोलन हम हर जगह पे हर जिलों पे करेंगे। इसका पुतला दहन किया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे भारत के, उनका आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। महंगाई में कमी नहीं आएगी? महंगाई में अगर कमी नहीं लाते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, तो हम इस रावण रूपी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। अगले चुनाव में हम जनता जनता तक जाएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि आपको सिर्फ महंगाई का एक झांसा देकर और धर्म की राजनीति कर मोदी जिस प्रकार बांट रहे हैं, कोई भी आज तक न्यूज़ चैनल ने ये नहीं दिखाया कि रोज में देश में रोजाना पेट्रोल डीजल LPG के रेट बढ़ रहे हैं। सिर्फ हर न्यूज़ का ये काम रह गया है कि धर्म की राजनीति को दिखाना कि राम मंदिर बन रहा है, आज ये धर्म के में ये हो रहा है। इस प्रकार की राजनीति नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है उसे उखाड़ फेंकने के लिए सारे युवा, देश की सारी जनता आज तैयार है। दयानिधि सदावर्ती की रिपोर्ट।